50-50 कि कलश उठाऊं नहीं उठाऊं, पर आखिर मैंने सोच लिया कलश उठाने का, तो फॉर्मेलिटी करके मैंने सोच लिया, पक्का कर लिया कि कलश उठाएंगे। बस ये था कि इतनी दूर मैं चल पाऊंगी कि नहीं चल पाऊंगी नंगे पैर, पर भगवान का आशीर्वाद से मैं पूरा हो गया। तो ये देखिए किस तरह से मैंने कलश यात्रा की, तो भगवान का आशीर्वाद ले रही हूँ ये। और घर पे बताया नहीं था कि मैं कलश ले यात्रा करूँगी, तो घर पे व्हाट्सअप कर दिया था कि मैं कलश ले रही हूँ, फ़ोन भी करके पूछ लिया था कि कलश उठाऊँ या नहीं, तो हाँ भर दिया था मेरे हस्बैंड ने, व्हाट्सअप कर दिया कि मैं उठा रही हूँ। ये देखिए अब तैयारी शुरू हो गई है, पंडित जी तिलक लगा रहे हैं सबको, और ये मैं खुश हो रही हूँ। अब तो अब डिसाइड हो गया है कि मतलब उठाऊंगी मैं। तो साथ में मेरी फ्रेंड ये कलावा बांध दिया, और ये पंडित जी आ गए जो कथावाचक है, उनका स्वागत हो रहा है माला पहना के। अब आदर से ले जा रहे हैं, जिन किलोमीटर का राउंड लगाएंगे, 2.5 किलोमीटर का राउंड है। तो ये कलश ले लिया मैंने, मैंने सेल्फी ली थी, ये उठा के देखा फिर सिर ढक के उठाया। और पहले सोचा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, पर नंगे पैर चल पड़े हम। ये देखिए थोड़ा सा इम्बेलेंस हो गया था, तो ये मंत्र जी ने मेरा सही कर दिया। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, ये मेरे हस्बैंड ने फोटोग्राफी की है, वीडियो बनाया है। सबसे आगे जाके सब बहुत ही खुश थे। करीब 60 लोगों ने कलश उठाया था, और ये सब मेरे को दुपट्टा उड़ा रहे हैं। वापस मंदिर के पास में टेंट लगा के, और वहाँ पर भागवत कथा शुरू की। शाम के कथा वाचन शाम का 3 बजे से 7 बजे का टाइम था। तो ये रवाना हो गया, देखिए और ये हमारे टावर के सामने आ गए हैं। यहाँ पर भी मेरे अंदर सामने के लिए, देखो मेरी खुशी देखो, और मेरी फ्रेंड है सुंदर, उसको भी ले लिया कि चलो फोटो खिंचवाते हैं पर्सनल। बहुत ही खुशी हो रही थी, आते रास्ते तो मुझे पता ही नहीं चला कैसे मैं चली, पर फिर थोड़े से कम कर चुके थे, और नाचते गाते जयकारा बोलते हुए हम चल रहे थे सब लोग। ज्यादा धूप नहीं लग रही थी, सुबह का टाइम था इसलिए। ये देखिए सबसे ज्यादा तो ये भाई साहब ही नाचते हैं। जब मैं फोटो खिंचाने लग गई तो ये कहने लगे खिंच गई चला गया। मुंह में हंसी इतनी आ रही थी, बहुत खुशी की हंसी थी कि मैं उठा पा रही हूँ। और ये कथा स्थल पर पहुंच गए हमारा काफिला। मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, तो लास्ट में
उपस्थित करने बिल्कुल भागवत के सामने रखा है। और ये हम दोनों के, ये कीर्ति जी ने खींची थी, टावर 21 के सामने हमने खिंचाई थी दोनों से, मैंने और मेरी फ्रेंड ने, वो वाली फोटो है। और ये देखिए, अब मैंने कैमरा ले लिया है और बहुत खुश हो रही हूँ, मेरी यात्रा पूरी हुई। कलश रख दिया था, और लोग भी ये कलश रखे, मैंने रख दिया था, ये मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने कैमरा ले लिया था। और यहाँ सामने है वो रूअब्जा, दूध रूअब्जा की व्यवस्था थी, तो मैंने आके पी एक गिलास पी थी, मीठा था, पड़ रहा हमारा नहीं, बड़ी राहत महसूस हुई। अब बताइए, धन्यवाद। सब कलश रखे जा चुके हैं, अब शाम को 3 बजे से कथा शुरू हो जाएगी। उसके बाद सब लोगों ने डांस किया, मैंने तो रिकॉर्ड ही किया। फोटो खींची है अर्चना जी ने हमारे साथ सेल्फी, और ये फिर मेरी और सुमन जी की फोटो है। देखने के लिए धन्यवाद, बाय, थैंक यू।